किसी और पर, किसी और देश पर हमें निर्भर नहीं होना पड़ा। आप कल्पना कीजिए, पल भर सोचिए, अगर भारत के पास अपनी वैक्सीन नहीं होती तो क्या होता? पोलियो की वैक्सीन पाने में हमारे कितने साल बीत गए थे, इतने बड़े संकट में। जब पूरी दुनिया में महामारी हो तब हमें वैक्सीन कैसे मिलता? लेकिन भारत को शायद मिलता कि नहीं मिलता और कब मिलता, लेकिन आज गौरव से कह सकते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम हमारे देश में चल रहा है। चौपन करोड़ से लोग, 54 करोड़ से ज्यादा लोग वैक्सीन डोज लगा चुके हैं। कोविन जैसी ऑनलाइन व्यवस्था, डिजिटल सर्टिफिकेट देने की व्यवस्था आज दुनिया को आकर्षित कर रही है। महामारी के समय भारत जिस तरह से 80 करोड़ देशवासियों को महीनों तक लगातार मुफ्त अनाज देकर के उनके गरीब के घर के चूल्हे को जलते रखा है, यह भी दुनिया के लिए एक अचरज भी है और चर्चा का विषय भी है। ये बात सही है कि अन्य देशों की तुलना में भारत में कम लोग संक्रमित हुए। ये भी सही है कि दुनिया के देशों की जनसंख्या की तुलना में भारत में हम अधिकतम मात्रा में हमारे नागरिकों को बचा सके, लेकिन ये हमारे लिए पीठ थपथपाने का विषय नहीं है, संतोष पाकर के सो जाने का विषय नहीं है। ये कहना कि कोई चुनौती नहीं थी, ये हमारे अपने विकास के आगे के रास्तों को बंद करने वाली सोच बन जाएगी। दुनिया के समृद्ध देशों की तुलना में हमारी व्यवस्थाएं कम है। विश्व के पास, समृद्ध देशों के पास जो है वो हमारे पास नहीं है। लेकिन इन सारे प्रयासों के बावजूद भी, और दूसरी तरफ हमारी यहां जनसंख्या भी बहुत है, विश्व की तुलना में बहुत जनसंख्या, और हमारी जीवन शैली भी कुछ अलग सी है, सारे प्रयासों के बाद भी कितने ही लोगों को हम बचा नहीं पाए। कितने ही बच्चों के सिर पर कोई हाथ फेरने वाला चला गया, उसे दुलारने, उसकी जिद पूरी करने वाला चला गया। यह असहनीय पीड़ा, यह तकलीफ हमेशा से साथ रहने वाली है।